दोस्तों, हमारा देश आजाद होने का 75 साल होने के बावजूद आज हम इतने सारे प्रॉब्लम्स में हैं जिनको अगर डिस्कस करने बैठे तो शायद ये वीडियो खत्म ही नहीं होगा। दोस्तों, जब अंग्रेज यहाँ से गए तो हमें इतने सारे प्रॉब्लम्स देकर गए, कास्टिज्म, गरीबी, पुअर एजुकेशन सिस्टम। खैर, प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे हैं और हमारा एजुकेशन सिस्टम भी प्रॉब्लम ही है, क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटीज में आज भी ऐसे कई कोर्सेज और डिग्रीज है जो आपसे मोटी मोटी फीस तो ले लेंगे पर अपनी डिग्री से आपको एक ढंग का जॉब नहीं दिला पाएंगे। इसीलिए आज का ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब ये मैटर नहीं करता आप स्कूल में हैं, ट्वेल्थ में हैं या ग्रेजुएशन कर चुके हैं, फर्क नहीं पड़ता। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको ये वीडियो एंड तक जरूर देखनी चाहिए। खास करके पेरेंट्स को तो ये वीडियो देखना ही चाहिए ताकि वो अपने बच्चों को फोर्स ना करें, क्योंकि इसमें हम ऐसे 5 कोर्सेज को बताने वाले हैं जो आपको भूल से भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये कोर्सेज आज के डेट में खास वैल्यू नहीं रखती और ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज उन कोर्सेज की सिलेबस को अपडेट ही नहीं करती, और अगर उन कोर्सेज को करते हैं तो फिर नहीं तो आपको बाद में सरकारी नौकरी की रेस में लगनी पड़ेगी। आईएएस पीसीएस का बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो पैशन की बात होती है, लेकिन कुछ लोग 5-5, 6-6 साल वेस्ट करते हैं सिर्फ एक ही आशा में कि कोई भी सरकारी नौकरी मिल जाए। उनसे जाके अगर आप पूछोगे कि क्या रीज़न है तो वो एक ही बात कहेंगे, जॉब सिक्योरिटी है, अगर काम ना भी करो तो निकालते नहीं। वैसे हमारे पेरेंट्स भी यही कहते हैं, सिर्फ एक बार गवर्नमेंट जॉब अगर मिल जाए तो काम नहीं करना पड़ेगा। आखिर ये माइंडसेट स्टूडेंट के अंदर बनती कहाँ से है? क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होता, उनको उनके डिग्री की वजह से या उनकी स्किल की वजह से कोई भी जॉब मिल भी सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर डिग्री सिर्फ रट्टे के दम पर दिया जाता है, किसने ज्यादा रट पाया। खैर, हम टॉपिक में आता है और वो डिग्री शेयर करते हैं जो आपको आज के डेट में करनी नहीं चाहिए, क्योंकि उनका वैल्यू है नहीं और आने वाले समय में और भी अपना वैल्यू खो देंगे। फर्स्ट, मास्टर डिग्री, एमए, एमकॉम, एमएससी, इन पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज की तारीफ में क्या ही करूं। किसी जमाने में होती होंगी इनकी वैल्यू, मिलती होंगी जॉब, पर आज के बदलती दुनिया में मुझे तो नहीं दिखता इनकी कोई इम्पोर्टेंस है भी। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज अपने मास्टर डिग्री कोर्सेज के सिलेबस को अपग्रेड ही नहीं करते हैं। किसी जमाने में मिलती होंगी जॉब पर आजकल नहीं मिलती। ये मास्टर डिग्रीज आपको रिसर्च फील्ड में जाने में और टीचर बनने में हेल्प करता है, नहीं हेल्प करता था, क्योंकि आज आपको टीचर बनना है तो कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है कि अगर आपको स्कूल में भी टीचर बनना है तो बीएड डिग्री चाहिए, एमए, एमकॉम, एमएससी नहीं, और कॉलेज में प्रोफेसर बनना है तो आपको पीएचडी डिग्री चाहिए, मास्टर डिग्रीज नहीं। मास्टर डिग्री आपको कहाँ हेल्प करती है? अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो ही हेल्प करती है। और फैक्ट बताता हूँ, अगर आप बेसिक सीए फर्म में भी जॉब के लिए जाते हैं, अगर आप फ्रेशर हैं और आपने बीकॉम कर रखा है तो आपको 5,000 की सैलरी मिलती है, और अगर आपने एमकॉम कर रखा है तो 6,000 की सैलरी देता है, बस 1,000 की डिफरेंस होती है। तो सिर्फ 1,000 सैलरी ज्यादा मिलने के लिए तो आपको इतने सारे पैसे और टाइम वेस्ट करना कोई मतलब नहीं बनता। ये मैं रियल फैक्ट बता रहा हूँ मेरे भाई, मैंने कई सारे लोगों का जॉब इंटरव्यू ली है, उसी आधार पे मैं बता रहा हूँ। मेरे दोस्त, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी या कोई भी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करते हैं तो ही वैल्यू है, इसे नकारा नहीं जा सकता। नेक्स्ट, बीटेक। दोस्तों, बीटेक ये साइंस स्ट्रीम में किया जाने वाला सबसे पॉपुलर कोर्स है, और मैं जानता हूँ इस वीडियो को बनाने के बाद बहुत से स्टूडेंट ऑफेंड हो जाएंगे, पर मैं आपके भलाई के लिए कह रहा हूँ, क्लास 12th के बाद अगर आपको कोई आईआईटी, एनआईटी जैसे पॉपुलर कॉलेज नहीं मिलती, आपको बीटेक छोड़ के कुछ भी और चीज करनी चाहिए, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। क्या फायदा ऐसी 10 लाख 12 लाख जैसे बड़े बड़े नंबर दिखाकर इतने सारे इंजीनियर्स हमारे पैदा करके, क्योंकि 80% इंजीनियर्स को तो जॉब ही नहीं मिलती। ऐसा हम नहीं बता रहे, ये डेटा बताता है। नेक्स्ट, बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इस कोर्स को वर्स्ट कैटेगरी में इसलिए मैं रखना चाहूंगा क्योंकि ज्यादातर यूनिवर्सिटीज ना जाने कब से अपने बीसीए की सिलेबस को अपग्रेड ही नहीं किया होगा, और आपको लगेगा बीसीए कोर्स में तो बहुत कुछ सिखाते होंगे। नहीं, बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन, डेटाबेस स्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैंग्वेज, ये बेसिक ही सिखाते हैं। और सच बताता हूँ, ये सारी चीजें आप इंटरनेट से फ्री में भी सीख सकते हैं, और अगर आपको प्रो लेवल का सीखना है तो कोडेक एकेडमी, ऑडेसिटी से घर बैठे बैठे 6 महीने में भी आप सीख सकते हैं। बेकार में 3 साल ऐसे डिग्री कोर्स के लिए वेस्ट करना मेरे हिसाब से समझदारी नहीं होगा। नेक्स्ट, बीबीए को रखना चाहूंगा। दोस्तों, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ये एक नॉर्मल बीए बीकॉम की तरह ही अंडर ग्रेजुएट
डिग्री कोर्स है और इसमें MBA की तरह हाई लेवल की नॉलेज नहीं दिया जाता और फीस MBA की तरह ही लिया जाता है। और यूजलेस कहने के पीछे रीजन ये है, BBA में जैसे कॉलेजेस प्लेसमेंट और ट्रेनिंग अच्छे एक्सपोजर की सपना दिखाते हैं, वैसे हकीकत में कुछ नहीं होता। ये मैं अपने कजिन को देखकर बता रहा हूँ, अब ऑफेंड मत हो जाना। BBA अगर कर रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा कोई और डिग्री ले लेनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ BBA करके जॉब मिलने की कोई गारंटी नहीं होता। और लास्ट में आर्ट और म्यूजिक के ऊपर डिग्री देने वाले कोर्सेज को रखना चाहूँगा। दोस्तों, आर्ट, म्यूजिक, डिजाइनिंग, ये जो चीज़ें हैं ये क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है। एग्जाम्पल, बीबी और कैरी को ही ले सकते हैं। इन्होंने कभी एक्टिंग कॉलेजेस नहीं ज्वाइन किया, उस पर कोई डिग्री नहीं लिया, पर फिर भी आज फेमस है। म्यूजिक, आर्ट, डिजाइनिंग में जो डिग्री करवाते हैं उसमें सिर्फ म्यूजिक का हिस्ट्री, इंस्ट्रूमेंट का यूजेस ही सिखाते हैं, जो कि थोड़ा इंटरनेट पर रिसर्च करो तो फ्री में भी आप सीख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हम हमारी देश की बेरोजगारी प्रॉब्लम से निपट पाए और हम सब इन कोर्सेज से दूर रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें रिपोर्ट दे सकते हैं। धन्यवाद।